तो ये हो गया हमारे कैमरा सेट और अब हमें तैयार हो। तो इस हफ्ते हमारे सामने बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एनिमे न्यूज निकल कर आई है एनिमे की दुनिया से। जहां पर जो पहली न्यूज है वो है हेल पैराडाइज से, जहां पे ये कहा गया है कि मैपा स्टूडियोज को दोबारा से डिरेक्ट करेंगे और यहां पे हमें सीजन 2 जल्द ही देखने को मिलेगा हेल पैराडाइज का। और काफी कमाल का ये पूरा एनिमे था और इसको किसी ने हमसे पूछा रेटिंग कितनी दोगे, तो भाई 10 out of 11। इतनी कमाल की कास्टिंग की गई थी इस एनिमे के अंदर और इतना अच्छा इसका स्टोरी लाइन था, तो मेरी तरफ से बहुत अच्छा एनिमे था ये वाला। इसके बाद जो दूसरी न्यूज हमारे सामने निकल कर आती है वो है युगी काजी की तरफ से, जो एरन के वॉइस एक्टर हैं और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अब वो दोबारा एरन को वॉइस नहीं देंगे। 10 सालों से वही एरन को वॉइस दे रहे थे, एरन येगर को वॉइस, और उसके बाद उन्होंने साफ साफ मना कर दिया क्योंकि उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग एरन येगर की खत्म कर दी है। और उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि अब दोबारा वो एरन येगर को अपनी आवाज नहीं देंगे। अब इसके पीछे का क्या रीजन है ये समझ में नहीं आता, या फिर अटैक ऑन टाइटन में अब एरन का कोई काम नहीं ये भी मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे अटैक ऑन टाइटन ही बिल्कुल ही समझ में नहीं आता है कि आखिरकार एरन करना क्या चाहता है। इसके बाद जो अगली न्यूज सामने निकल कर आती है वो है जुजुत्सु काइसन की तरफ से, और ये सबको पता है कि अभी जुजुत्सु काइसन चल रहा है और ये पूरा वीकेंड पूरा मंथ जुजुत्सु काइसन में जाएगा। तो ये जापान में एक और अच्छी न्यूज निकल कर आई है कि जापान में अब जुजुत्सु काइसन को ऑफिशियल टीवी पर एयर किया जा रहा है, यानी कि टीवी पर इसका साफ प्रसारण होता है जुजुत्सु काइसन का। पर मे भी ये कभी इंडिया में पॉसिबल ना हो, क्योंकि यार इंडिया का कल्चर थोड़ा सा अलग है और ये अच्छा भी है। देन इसके बाद जो अगली अपडेट हमारे सामने आती है वो है ब्लीच की तरफ से, जहां पर हमें ब्लीच के पार्ट 2 में कुछ और एपिसोड देखने को मिलेंगे, जहां ये कहा जा रहा है कि इसमें लगभग 13 एपिसोड हमें देखने को मिल सकते हैं, तो काफी मजा आने वाला है ब्लीच के फैंस को। और इसके बाद जो सबसे खतरनाक न्यूज है, जो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली न्यूज है, वो है जोरो की तरफ से। दरअसल जोरो एक बार फिर खो चुका है, दरअसल मैं बात जोरो की वेबसाइट की कर रहा हूँ जहां पर हम एनिमे देखते थे। दरअसल उसका नाम बदल दिया गया था, पहले उसका नाम सांझी किया गया, उसके बाद इसका नाम फिर चेंज किया गया, जहां इसका नाम अब एनी वॉच हो गया है। बट यहाँ पर बहुत सारे फैंस को ये नाम पसंद नहीं है और वो दोबारा चाहते हैं कि इसको जोरो नाम दोबारा दिया जाए, क्योंकि यार अपना जोरो जोरो है और उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। बट पता नहीं कि उसका नाम चेंज किया गया और ये बहुत ज्यादा फैंस को बहुत बुरा लग रहा है। इसके ऊपर काफी सारे मीम बन रहे हैं कि आखिरकार जोरो यहाँ से गया क्यों, हाँ गया जोरो या लिटरली। वैसे जोरो नाम बहुत अच्छा था और जोरो वेबसाइट भी टॉप क्लास वेबसाइट थी। अब मुझे नहीं पता कि क्यों इसका नाम चेंज कर दिया गया। बाकी अगर तुम्हारे पास इसके रिलेटेड कोई न्यूज या फिर कुछ आर्टिकल हो तो मुझे बताना नीचे कमेंट में। बाकी फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। और एनिमे से रिलेटेड अगर थोड़ा सा और जानकारी चाहिए तो तुम्हें ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे अनसब्सक्राइब कर देना।